नमस्ते, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग टेस्टी में। आज मैं बनाने जा रही हूँ शक्कर पारे। तो आइए शुरू करते हैं शक्कर पारे बनाना। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी 2 टेबलस्पून सूजी, 400 ग्राम शुगर और 4 कप मैदे की। अब हम मैदे में ऐड करते हैं 2 टेबलस्पून घी, 2 टेबलस्पून सूजी। अच्छी तरह से मिक्स करते हैं सूजी और घी को। कुछ इस तरह बनना चाहिए। अब हम धीरे से पानी डालकर डो तैयार करते हैं और 10 मिनट के लिए रखते हैं। हमारा डो तैयार है। 10 मिनट के बाद फिर से हम उसे थोड़ा मलते हैं और सॉफ्ट बनाते हैं। अब हम इस डो के 3 पार्ट करेंगे शक्करपारे बनाने के लिए। फिर से थोड़ा आटा को हम बेलते हैं डो को, और अब हम बेलना शुरू करेंगे। धीरे धीरे बेलते हैं। गोलाई में सभी जगह एक जैसा ही बेला हुआ होना चाहिए। अब हम किनारियों कट करते हैं और उसे स्क्वायर शेप देते हैं। अब हम इसे कट करेंगे तो हम शक्करपारों को अच्छे स्क्वायर शेप में कट कर सकते हैं। करीब 1 इंच की हम कट करते हैं शक्करपारों को। यह शक्करपारों को नाश्ते के समय खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। हर त्योहारों में बनाए जाने वाले यह शक्करपारे हर किसी को पसंद आते हैं। देखिए इस तरह मोटाई इतनी होनी चाहिए, और जब हम इसे तलते हैं तो धीमी आंच में। अब हम एक प्लेट पे निकाल कर रखते हैं। फिर से हम बेलेंगे। इस बार हमने 1/2 इंच के स्क्वायर में कट किया है शक्करपारों को। मोटाई भी थोड़ी सी बढ़ा दी है। इन्हें भी एक प्लेट में निकालते हैं। अब हम तैयार करते हैं चाशनी को। शुगर में हम ऐड करते हैं 50 ml वाटर। अच्छी तरह से मिक्स करते हैं शुगर को। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4-5 इलायची को स्मैश करके। छिलकों के साथ ही हमने चाशनी में डाल दिया है, जिससे
इलायची का पूरा फ्लेवर चाशनी में आ जाता है। इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून दूध, जिससे शक्कर में जो गंदगी रहती है वह निकल जाती है, कालापन निकल जाता है। उबाल आने के बाद एक छन्नी की सहायता से हम उस पूरे डर्ट को निकाल देंगे। अब सिरप बिल्कुल साफ हो चुका है, चाशनी रेडी है। चेक करते हैं, ड्रॉप हम डालते हैं तो वो बॉटम पर बैठ रही है, जम रही है। इट मींस सिरप इज रेडी, चाशनी तैयार है। अब हम शक्करपारों को तलना शुरू करेंगे। घी गर्म हो चुका है, चाशनी भी रेडी है। एक एक कर शक्करपारे हम डालते हैं। आंच बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए, धीमी आंच पर ही हमको शक्करपारों को डीप फ्राई करना है। और सुनहरे होने तक इन्हें पकाना है। ऑलमोस्ट शक्करपारे तैयार हैं और इसे हम ड्रॉप करते हैं चाशनी में, और फिर थोड़ी देर के बाद हम निकाल कर थाली में रखते हैं। शक्करपारे बिल्कुल तैयार हैं। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमेशा ईट हेल्दी, बी हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू।